आज जो एनआईए ने चार्जशीट फाइल की है उसके अंदर उन्होंने चार जो आरोपी है, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, श्याम साहू, शिव नारायण कल संग्रह और प्रवीण टक्कल की अलियास प्रवीण मुतालिक, ये चारों के डिस्चार्ज करने की उन्होंने रिकमेंड किया। उन्होंने कहा है कि देर इज नो एविडेंस टू प्रोसिक्यूट देम, उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। दी इन्वेस्टिगेशन इज कम्प्लीट एंड दी एनआईए हैज आस्क्ड द कोर्ट टू गिव अ टाइम टू फाइल द चार्जशीट। The investigation agencies had been given absolute freedom to act on the basis of available circumstances and evidences and as per the direction of the court. Yes, that's a correct decision. It took us 2 years of research to find out. This is all bogus. The United Nations has already declared LET as a international terrorist organization. They are responsible for the Samjhota Express, all this Malegaon, everything. They were done by people whom originally were arrested. मेरा यह आरोप है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के ऊपर, प्रधानमंत्री पर और गृह मंत्री पर, कि वे आतंकवादी गतिविधियों में संघ के कार्यकर्ताओं को बचाने के लिए वे पुलिस पर, एनआईए पर, पुलिस अफसरों पर दबाव डाल रहे हैं। साध्वी प्रज्ञा सिंह इज नॉट द इशू। द इशू इज दैट सिक्वेंशियली रिपीटेडली समहाउ विद एन एजेंडा आफ्टर दिस गवर्नमेंट हैज कम अ नंबर ऑफ पीपल हु हैव बीन डिलिबरेटली कैटेगराइज्ड बाय द बीजेपी, द आरएसएस, इनटू हिंदू वर्सेस मुस्लिम, व्हिच इज अ कंप्लीटली फॉल्स डिस्टिंक्शन ऑफ टेररिज्म। भगवा को और हिंदू को आतंकी कहना इससे बड़ा पाप अपराध नहीं है, अन्याय नहीं है, अमानवीय है, क्योंकि भगवा जो है ये दुनिया को रोशनी देता है और हिंदू दुनिया का सबसे सहनशील जीवन शैली है। और इसलिए उस समय की सरकार ने यह एक राजनीतिक षड्यंत्र रचा, पहले उसको मुसलमान दिखाई दिए, उनको जेल में डालने का धंधा किया, फिर बाद में मुसलमान निर्दोष ध्यान में आए तो उन्होंने देशभक्त हिंदुओं पर कीचड़ उछालने का कोशिश की। तो ये सोचे समझा मिसयूज़ ऑफ द एजेंसीज था उस समय की कांग्रेस लेड यूपीए सरकार का।